उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर को जो घटना घटी उसको लेकर पुलिस सहित इंटेलिजेंस एजेंसीज भी एक्टिव हो गई हैं। दावों की माने तो इस घटना को साजिश के एंगल से भी छानबीन की जा रही है। लेकिन इस बीच यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी संभल मामले में अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। केशव मौर्य ने साफ साफ कह दिया है कि कोर्ट के आदेश का पालन करवाना सरकार, पुलिस और प्रशासन का काम है और संभल में जो कुछ हुआ उसके लिए जो भी जिम्मेदार है उनका हिसाब होगा और कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय न्यायालय के आदेश का पालन कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी, उसे कराया जाएगा। जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बाधा डालेंगे उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 24 नवंबर को हुई हिंसा को लेकर अब पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियां जांच में जुट गई हैं। कुछ दावों के मुताबिक ये घटना एक साजिश के तहत की गई थी और पुलिस इसे गहरी जांच के बाद सुलझाने की कोशिश कर रही है। वहीं 24 नवंबर की हिंसा की नई तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें भीड़ को जमकर बवाल करते हुए देखा जा सकता है। पुलिस का कहना है कि ये हिंसा सुनियोजित थी और इसके पीछे किसी बड़ी साजिश का हाथ हो सकता है। पुलिस ने अब तक 800 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि इस हिंसा में जो नकाबपोश लोग पत्थर फेंक रहे थे वो कौन थे। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि ये लोग क्यों उग्र हुए और पत्थरबाजी क्यों शुरू की। इसको लेकर पुलिस और प्रशासन साजिश के एंगल से जांच कर रहे हैं। ये हिंसा किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकती है और पुलिस को इसके बारे में कुछ सबूत मिल चुके हैं। पुलिस और खुफिया एजेंसियां अब साजिश में शामिल लोगों का पर्दाफाश करने की तैयारियां कर रही हैं। संभल को पहले से ही एक संवेदनशील इलाका माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।